मम्मी मम्मी मुझे ना एक्टिंग करनी है। अरे बेटा, जब से तू पैदा हुई है तब से एक्टिंग ही तो कर रही है, और क्या कर रही है। अरे मम्मी मुझे मूवी में एक्टिंग करनी है, तुम समझती क्यों नहीं हो। एक्टिंग? अरे मम्मी क्या है यार, तुम तो हंस रही हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी बेटी कितनी टैलेंटेड है। बोलो ना मामा को फोन करके मुझे भी रोल देंगे। अच्छा, रड़ावे ना, कर रही फोन, कर रही फोन। हाँ दीदी नमस्ते। हाँ लीलू नमस्ते नमस्ते। अरे ये शेरू मेरे सिर हो रही है, मामा को फोन करो, कोई मेरे को रोल देंगे मूवी में। दीदी इसके लिए रोल। मम्मी मामा हंस रहे हैं। अरे चुप तो हो जा। देख लीलू, अगर तूने मेरी बेटी को रोल ले दिया ना, मैं तेरी घरवाली को बता दूंगी तू जवानी में किस किस के साथ घूमता था। अच्छा, दीदी मत बताना मत बताना। एक रोल मिल सकता है इसको, पेड़ बनने का। मम्मी मुझे पेड़ बनाएंगे मामा। अरे चुप तो हो जा मेरी माँ। लीलू अभी कर रही, देख फोन अभी कर रही, रुक जा अभी कर रही फोन। अच्छा दीदी रुक जा रुक जा रुक जा। एक रोल है, लीड रोल है, एकदम बढ़िया लीड रोल है। लीड रोल? किसका लीड रोल? आलम जेब का है। कौन से जेब कतरे का? अरे जेब कतरा नहीं, तू आ जल्दी सेट पे आ। जब जब बॉलीवुड में किसी ना किसी के पापा मम्मी भाई बहन चाचा बदमाश दादा दादी फुफा बदमाश जो भी होंगे ना, तब तो भाई बॉलीवुड का नाश मारने के लिए उससे छोटी प्रजाति पनपती रहेगी, और इसे बोलते हैं नेपोटिज्म का नंगा नाच। एक बार देख लीजिए और देखते रहिए। ये वही है भाई जिसकी वजह से पूरी हीरा मंडी की इज्जत सब्जी मंडी के बराबर हो गई। हीरा मंडी सच में हीरा मंडी होती, आलम जेब सच में आलम जेब होती, अगर उसमें शर्मिन ना होती। शर्मिन सहगल संजय लीला भंसाली जी की बांजी, पूरी सीरीज में इसने कुछ नहीं करा सिवाय थोड़ा सा मुंह सुन करके होठ हिलाने के। रोने का हंसने का अच्छा बुरा भाई जैसा मर्जी डायलॉग हो, बस इसका थोपड़ा सुन रहता है और बाकी काम इसका होठ करते हैं। एक बार देख लीजिए। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा भाई, संजय लीला भंसाली इतने बड़े आदमी ने बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गब्बर इज बैक, रामलीला और भी इतनी बड़ी बड़ी मूवीज बना ली, पर एक बार इसकी एक्टिंग नहीं देखी थी। अबे 17 बार ऑडिशन दिया उसने। 17 बार ऑडिशन भाई, अगर 17 बार ऑडिशन देके भी इसे रोल मिल गया ना, या तो इस लड़की ने रोल लेकर कुछ अपनी पर्सनल बढ़ास निकाल ली, या तो लीलू जी ने भाई घर से परेशान होकर इसे अपना रोल दे दिया। 14 साल पहले लीलू जी को ये मूवी बनाने का आइडिया आया था, आज लग रहा काश पहले 14 साल पहले ही बना देते, आज ये आलम सेब के नाम पर खोया हुआ सेब तो ना देखने को मिलता। गाना बना दीजिए। जब भी शर्मिन सहगल को कोई टीचर स्कूल में डांटता होगा इसका रिएक्शन। एक बार देख लीजिए। जब भी इस लड़की को कोई घर में मारता होगा इसका रिएक्शन। एक बार देख लीजिए। जब भी संडास के अंदर कोई बैठा हो, संडास के बाहर ये खड़ी हो और इसका पूरा प्रेशर लगा हुआ हो इसका रिएक्शन। एक बार देख लीजिए। जब भी इसने गोलगप्पे वाले भैया को पीछे हाथ देके गोलगप्पे खिलाते हुए देख लिया हो इसका रिएक्शन। एक बार देख लीजिए। जब इसने अपने पति को किसी और के साथ, खैर छोड़ो ज्यादा पसंद हो जाएगा। You felt because you were crying also during that dance, but there was one day where I had to cry, one scene where I had to cry, which was being shot over 4 days. From beginning to end, I had to cry. So 9 o'clock in the morning, I used to start crying, and I used to finish crying at 10 o'clock at night. So by the fourth day, my eyes were like potatoes, and I was like, my close up. एक रोने के सीन के लिए भाई इसको 4 दिन लग गए, और जैसा एक्सप्रेशन इसने 4 दिन में दिया ना, इससे बढ़िया एक्सप्रेशन कोई शराबी 4 पैग लगा के जब अपनी घरवाली का दुख सुनाएगा ना, उससे बढ़िया 4 मिनट में 400 एक्सप्रेशन तो वही दे देगा। वो तो शुक्र मनाओ भाई इसका मामा ही डायरेक्टर था, अगर वो ढंग का डायरेक्टर होता ना, 4 दिन में इसके मारता था। बट ऐसे एक डायरेक्टर को देखा नहीं है जो खुद के जो उनके कैरेक्टर है उनको अलग 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 रूप में इंटरप्रेट करेंगे। इसके अलग 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 रूप में भाई एक 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 ही एक्सप्रेशन है, चाहे माहौल जैसा मर्जी चल रहा हो, लेकिन एक्सप्रेशन के नाम पर बस वही बवासीर। हीरा मंडी में इसकी एक्टिंग इस बराबर है भाई, उबली हुई लौकी पर नमक छिड़क के दे दिया जी लो, पर उस दिन मैंने तो और यही खा लो, मेरे को तो सिर्फ यही आता है। और फिर क्या जी लीलू जी तो हमें ऐसे देखते जैसे कोई देखता ही नहीं, मारूंगा थे। It's a privilege to be able to work with Bhansali sir. और जैसे वो हमें देखता है, I think कोई हमें वैसे देखता नहीं, और इसलिए हम इतने अलग दिखते दुनिया को जब हम उनके कैमरा के सामने हैं। करेक्ट। अरे वही तो लीलू जी ने गलती करी, इसे अंदर से देख लिया, कबाड़ा तो भारी था। काश एक बार लीलू जी से अगर बाहर से देख लेते ना, तो हीरा मंडी में ये ना देखने को मिलती। 1% की जरूरत है, वरना जो भी आप करोगे कैमरे के सामने वो पूरे मुंह के बल गिरेगा अगर वो 1% सच्चाई ना हो आप में। 99% अलग है, 1% शार्मिन मेरे कैरेक्टर में हमेशा रहेगी, बट वो 1% सच्चाई खुद से अगर आप अपने एक्टिंग में ला सकते हो तो वो ऑडियंस तक पहुंचती है। ना 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 ना, 99% सिर्फ शर्मिन है, और एक्टिंग भाई 1% है, वो भी अंदर से नहीं आ रही, उसका काम भी बार बार होठों ने संभाल रखा। ये जो इतनी डींगे मार रही है बैठ के, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा सूट होने के बाद इसको किसी ने इसकी एक्टिंग नहीं दिखाई थी क्या, ये जानने के बावजूद भी इसको रोल इसके मामा के करके नेपोटिज्म का नंगा नाच करके मिला है, फिर भी बैठ के डींगे इस तरह आप रही। जी मैं तो बहुत बहुत स्ट्रगल करके आई हूँ इंडस्ट्री में, बहुत मैंने पीछे छोड़ दिए, इसे देख के ना भाई मेरे में नन्ना पांडे के लिए रिस्पेक्ट। कैसा फील होता है? तो मेरी तो वही फीलिंग था, क्योंकि मैंने सपने देखे थे कि एक दिन मैं भंसाली की हीरोइन बनूंगी, एक दिन सर मुझे डायरेक्ट करेंगे, और जब उनको सामने देखते हो तो वो सपना ही लगता है। छोटे लोग बस सपने देखते रह गए, और एक मैं बस एक मम्मी से फोन करवाया था लीड रोल मिलेगा, हाँ मतलब उस लीड रोल में एक्टिंग करी है भाई, लीड रोल तो मिल गया ना, इनकी तरह रंडी रोने थोड़ी कर रही हूँ यहाँ बैठ के। छोटे लोग।
99% एक्टर जो सरेंडर करता है ना, एक्टर 99% काम डायरेक्टर का ही होता है। वो निकालते हैं आपसे जो भी निकालना है, वो विजन इनविजन करते हैं। हम लोग अच्छी एक्टिंग का क्रेडिट लेके निकल जाते हैं, जो भी हम लोग क्रेडिट लेके निकलते हैं वो सब क्रेडिट डायरेक्टर के शोल्डर के ऊपर जाते हैं, क्योंकि वो ही। लेकिन एक्टिंग है कहाँ इन दो दो होटो को हिलाने से भाई, अगर एक्टिंग का क्रेडिट मिल जाता है ना तो उससे बढ़िया तो मैं कान हिला लूं अपने। देखो लाओ मेरे को फिल्म फेयर की भाई को काली वाली ड्रेसें दे दो बोर्ड में, लाओ जल्दी लाओ। हाँ बेटी कैसी हो, आ गई तुम? अच्छी हो मामा जी, बस आप मुझे मेरा रोल बताओ। हाँ हाँ बता रहा हूँ, इतनी जल्दी किस बात की है? रोल लेने से पहले कुछ बातों को ध्यान रख। रोल में पूरे एक्सप्रेशन ना अंदर से आने चाहिए, पूरे अंदर से निकल के। हाँ मामा जी मैं समझ गई, जल्दी बताओ ना आगे। अच्छा तो एक डायलॉग बोल, एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए, पूरे अंदर से बोलियो एक्सप्रेशन। एक बार देख लीजिए दीवाना। थोड़ा सीरियस होके बोल भाई, प्यार का रोल है, कोई BTS लवर का थोड़ी है, थोड़ा अंदर से थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन दे यार। एक बार देख लीजिए दीवाना बना देंगे। अरे अंदर से निकाल बेटा एक्सप्रेशन, बिल्कुल अंदर से, लीवर की नाड़ी में से निकाल। एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए। अरे बेटा एक्सप्रेशन के साथ करना, एक्सप्रेशन के देख कुछ ऐसे, एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए, कुछ ऐसे अपने अंदाज में। ओके 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 ओके, दोबारा। एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए। अबे सुन नहीं रहा क्या तुझे, एक बार जो मैं बोल रहा हूँ बार बार बोलूँ क्या? हे भगवान, ये पैदा करी थी मेरी बहन ने मेरे के लिए। मम्मी अभी करती हूँ, मम्मी को फोन, रुक जाओ अभी करती हूँ। ओके ओके ओके, जा ले ले लीड रोल ले ले जाके। थैंक यू मामा जी, आई लव यू। मार देना सारी हीरा मंडी का। देखो भाई अब जो होना था तो हो गया, हीरा मंडी की सब्जी मंडी तो बन गई, लेकिन मैं तो उसे पूरी देखूंगा भाई, जब मेरा मूड खराब होगा उसकी एक्टिंग देखे हंसना भी तो है। चलो गाइस मिलते हैं आप लोगों के लिए वीडियो में, तब तक नेटफ्लिक्स पर जाकर ना हीरा मंडी पे सब्जी मंडी स्पैम कर दो। हाँ जी संजय लीला भंसारी जी, क्या हाल है? हाँ जी मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करके भेज दी आपको, है ना? हाँ, देखो आपको लीलू बोल रहा है जैसे आप इसके छोटे भाई हो, है ना? कि और आपकी भांजी को लोकी से कंपेयर कर रहा है। हाँ मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी, व्हाट्सअप कर दी मैंने आपको ना। हाँ केस फाइल नहीं संजय जी, मैं तो कह रहा हूँ आप कोर्ट में जाकर खड़े हो जाओ। हाँ रिकॉर्डिंग दिखा देना उनको। ओ भाई वो पागल है क्या, मरवाएगा क्या?